हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाईफाई स्कूल इंडिया। सो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई होप सबने पढ़ना शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस कर रहे हो। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो अगर मैं इसकी 100th टर्म लू माइनस इसकी 100th टर्म लू तो मेरा डिफरेंस क्या आ गया 100। और आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये हमें फाइंड करना है। तो अब मैं इसका फॉर्मूला अगर अपने जनरल फॉर्मूला से लिखूं तो a प्लस 9090 d1 माइनस a1 डैश प्लस 99 d2 इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कीजिए, a1 प्लस 99 d1 माइनस a1 डैश प्लस 99 d2 इज इक्वल टू 100। अब ये सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरा सॉरी इट्स माइनस कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया a1 माइनस a1 डैश इज इक्वल टू 100। अब आपको जो निकालना है उसको लिखिए, हमें निकालना है a1000 माइनस a डैश 1000। तो ये क्या होगा मेरा, a1 प्लस 999 d1 माइनस a1 डैश प्लस 999 d2, a1 प्लस 999 d1 माइनस a1 डैश माइनस 999 d2। अगेन d1 इज इक्वल टू d2, तो मेरा ये क्या आ गया a1 माइनस a1 डैश। इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुकी हूँ विच इज 100। सो डिफरेंस बिटवीन माई 1000th टर्म इज 100। आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है और उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। सो डू लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वाईफाई स्कूल इंडिया। प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए आर्डी समो का सोल्यूशन और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।